फेम वर्ल्ड के द्वारा इस वक्त नोएडा के अंदर आज मदर्स डे के ऊपर कार्यक्रम किया गया, जिसके अंदर क्राउन प्लाजा ग्रेटर नोएडा के बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मदर्स डे के कार्यक्रम के अंदर यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है और किसी कारणवश वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होने वाली बीमारियाँ और होने वाली परेशानियाँ किसी से शेयर नहीं कर पाती है। अगर मैं बात करूँ एक माँ की, तो माँ का बहुत ज़्यादा महत्व हर किसी के जीवन में रहता है और माँ बच्चों की जान होती है और वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। ये बिल्कुल सही लाइन बताई गई है भारत देश के अंदर और ये वही भारत देश है जहाँ पे नारी की पूजा की जाती है। अगर मैं बात करूँ फेम वर्ल्ड की, आए दिन लगातार हर महीने हर वर्ष ये कार्यक्रम इसी तरीके से जगह जगह स्कूल्स के अंदर, जगह जगह गलियों के अंदर ये कार्यक्रम चलता रहता है फेम वर्ल्ड के द्वारा, ताकि उन लड़कियों को, उन बच्चियों को जो अभी बड़ी हो रही हैं और एज के हिसाब से जिस तरीके से हार्मोनल चेंजेस लड़कियों के अंदर और हमारी माँ बहनें बेटियों के अंदर आते हैं, उन सबसे ना शर्मा के और किसी भी परेशानियाँ अगर उनको हो रही हैं तो सबसे ज़्यादा शेयर वो अपनी माँ से, दोस्त से कर सकती हैं। क्योंकि अगर ये परेशानियाँ ना बताई जाएँ और कोई व्यक्ति अगर जीवन में ऐसा ना मिले जो इन परेशानियों से आप लोगों को उजागर ना कर सके, तो आगे चल के बहुत बड़ी बीमारी का सामना हर किसी लड़की को करना पड़ सकता है। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट की क्या कुछ हुआ कार्यक्रम में और फेम वर्ल्ड के द्वारा यहाँ पे सभी बच्चियों के माताओं के सामने उनको सैनिटरी पैड्स भी वितरण किए गए, ताकि वो उनकी एक टाइम की एटलीस्ट जरूरत पूरी कर सके। और साथ में ही क्राउन प्लाजा ग्रेटर नोएडा का बहुत ही विशाल सपोर्ट रहा और उनके द्वारा ये सारे कार्यक्रम के अंदर जो भी चीज़ें वितरण करी गई उनके द्वारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। नमस्कार, मेरा नाम अनुपमा है, मैं फेम वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई हूँ। ये एक सामाजिक संस्था है और हम औरतों, बच्चों और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यक्रम करते हैं और आज ये बहुत ही अच्छा लगा। एक स्कूल में ये कार्यक्रम आयोजन हुआ मदर्स डे के दौरान एंड सारी माताएं सामने आई, उन्होंने अपने कहानी शेयर करी, उन्होंने बताया किस तरह से वो बच्चों के साथ अपना दुख दर्द और कैसे उनको गाइड करती हैं और कैसे समय बिताती है। इसमें डॉक्टर राधिका फाउंडर हैं और मैं को फाउंडर हैं और ये संस्था 2 साल पहले स्थापित हुई है और इसमें करीबन 20 लोग हैं हमारे अभी जो पूरी तरह से काम करते हैं और बाकी सब वॉलंटियर्स हैं। आज यहाँ पे क्या क्या हुआ? आज यहाँ पर हम लोगों ने बहुत विषयों पर बात करी, एक कम्युनिकेशन के बारे में बात करी, माँ और अपनी बेटी के बीच का कम्युनिकेशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर हमने बात करी, हमने बात करी स्किल प्रोग्राम जो क्राउन प्लाजा होटल चलाता है, जिसमें वो आके 6 मंथ्स का स्किल प्रोग्राम सीख सकते हैं और वहाँ पे काम भी कर सकते हैं, उसके बारे में बात करी। और जो सबसे बारे में जो सबसे कुछ सबसे महत्वपूर्ण बात जो बात हुई वो यहाँ पर बहुत सारी औरतों ने अपनी जीवन की घटनाएं शेयर करी, जिस तरह से उन्होंने आगे हिम्मत बढ़ाई और आगे अपने बच्चों को पढ़ाया और बड़ा किया, और बहुत सी इसमें महिलाएं अनपढ़ थीं, तो ये बहुत ही अच्छा एक सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इस तरीके का प्रोग्राम में मैं बहुत ज़्यादा रुचि लेती हूँ और यहाँ पर मैं माताओं से मिली और उनकी इन बच्चियों से मिली और इन बच्चियों ने बहुत अच्छी कविताएं की अपनी माँ के लिए और मदर्स भी बहुत खुश थी और कुछ क्षण ऐसे आए कि जिसमें सभी लोग बहुत इमोशनल हो गए कि जिनकी माँ नहीं है और वो लोग अपनी जब कविता पढ़ रहे थे, तो ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन और उसके बारे में बताया गया वो भी बहुत ही ज्ञानवर्धक था। इसके अलावा इनको स्टेफ्री नैपकिन और अदर एक पूरा पैक जो है वितरण किया गया, तो ये एक बहुत बड़ा जो है उत्साहित करने वाला प्रोग्राम था और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा। हाँ, ऐसा होता है क्योंकि हमारे समाज में आज तक भी इसको एक तरीके का स्टिग्मा माना गया है और लोग जो है ये मानते हैं कि नहीं, इस बारे में बात नहीं करनी है। तो ये इसीलिए हमने आज बच्चों के साथ और लड़कियों के साथ और उनकी माओं के साथ एक साथ बात की और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा माएँ इस चीज़ में अपनी बच्चियों से बात करें और अपनी बच्चियों की बातों को समझें। ऐसा ना हो कि वो बच्चियां उस टाइम पे जब वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है लड़कियों की ज़िंदगी का, उस समय वो अकेली पड़ जाएं। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एज अ होटल हमारा हमेशा से यही रहता है कि हम जिस भी तरीके से मदद कर सकें, किसी की भी सहायता कर सकें, उनको प्रेरणा दे सकें कि वो हमारे साथ आके जुड़ के काम सीखें और
काम करने की कोशिश करें, यही हमारा हमेशा से रहा है। हमारे जनरल मैनेजर मिस्टर शरद उपाध्याय बहुत ही सपोर्ट करते हैं हमें इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने के लिए, और हमारे जो डायरेक्टर एचआर है मिस्टर तीर्थ रॉय चौधरी, वो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। हम हर महीने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोशिश रहती है कि हम लड़कियों को, बच्चों को पढ़ा सकें या सिखा सकें और प्रेरणा दे सकें ताकि वो आगे बढ़ के अपने आप अपने पैरों पे खड़े हो सकें। हम सब आगे बढ़ना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। और एज अ होटल मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे होटल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ पे आप आ सकते हैं, सीख सकते हैं, हम आपको सिखा सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं और फिर आप ग्रो भी कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले आज भी हमने जो बात करी वो इसकी करी कि आपको हिम्मत नहीं छोड़नी है। आप एक तो है हिम्मत नहीं छोड़नी है, दूसरी जागरूकता, आपको रूल्स रेगुलेशन कायदे कानून के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने बचाव करना आना ज़रूरी है, स्थिति को समझना वो भी पता होना चाहिए किस स्थिति में हूँ, उसकी समझदारी, तो उस स्थिति को देखते हुए किस तरह से मैं एक्ट करूं, किस तरह से मैं कदम लूं, वो ज़रूर पता होना चाहिए। सो ये बहुत ज़रूरी है, और ये सारी शिक्षा आपको एक स्कूल में ही मिलती है पर घर पे सबसे पहले मिलती है, तो घर से चालू होती है शिक्षा। तो इस शिक्षा का रोल माँ बाप दोनों अदा करते हैं, तो माँ का अगेन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसमें रोल आता है, और उसी के बारे में आज हमने मदर्स डे पर भी बात करी थी।